अस्सलामुअलैकुम। ईद के बाद हमारा ऑफिस ऑन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजान में जैसे कि आप लोगों को पता था कि ज्यादातर लोग उमरे की तरफ लोगों का रुझान था अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी लोग इस दफा गए उमरे पे। अच्छा, अब जो इस टाइम हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि ईद के बाद काफी कंट्रीज पे हमारे ग्रुप पैकेजेस वगैरह जो है वो अवेलेबल है, और काफी कंट्रीज में हमारे ग्रुप जा रहे हैं। दुबई हो गया, बाकू हो गया, और काफ़ी मुख्तलिफ कंट्रीज है, USA भी जा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी हमारे YouTube पे कम्युनिटी के नाम से हम उसको पोस्ट करते हैं, वहाँ से भी आपको पैकेजेस मिलते हैं। और जैसे कि हमारे WhatsApp चैनल भी बना हुआ है, उसी चैनल के ऊपर भी हमारी तरफ से, और Facebook के या Instagram पे भी हमारी सोशल मीडिया पे कंपेन हमारे ग्रुप्स के हवाले से चल रही होती है। तो अगर आप लोगों ने ट्रैवलिंग करनी है, जाना है किसी भी कंट्री वर्ल्ड वाइड, आप वहाँ पे जाके हमारे पैकेजेस देख सकते हैं, और जिसमें पाकिस्तान टूर के भी पैकेजेस होते हैं, वर्ल्ड वाइड पैकेजेस भी होते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के होते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये पैकेज समझ में नहीं आता है तो आप अपनी मर्ज़ी का भी पैकेज बनवा सकते हैं। तो लिहाजा आज हमने वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद था यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद गुजर गई है, और ईद के बाद जो लोग घूमने फिरने वाले हैं और जो जाते हैं ट्रैवलिंग करते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे तो काफ़ी लोग हमारे साथ जो ट्रैवलिंग करते हैं वो हमारे पास चैनल पे भी हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी हैं, और व्हाट्सअप चैनल पे भी है, उनको वहाँ से अपडेट मिलती है। लेकिन हमने बोले इस पर एक वीडियो भी यूट्यूब पे बना के डाल दें, और आप लोगों को बता दें कि अगर जिन लोगों ने नई नई जगह जाना हो, फेयर्स भी अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, कम से कम फेयर चल रहे हैं, स्टार्टिंग है, और एडवांस में जो बुकिंग कराएगा जितना पहले कराएगा उतना उसको अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। तो जो हमें ज्वाइन करना चाहे वो हमें ज्वाइन करें, और वर्ल्ड वाइड कंट्रीज इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम।